कितने अच्छे टाइम पे आए हैं। यहाँ आरती का भी टाइम हो गया है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई भाई मैं मायके से गुड मॉर्निंग बोलने। फुदक फुदक के कभी उधर कभी इधर आते रहते भाई। नजदीक रहो तो यही फायदा है ना। दूर के अपने फायदे, नजदीक के अपने फायदे। दूर के क्या ही फायदे, नजदीक के ही फायदे हैं। चाहे आपको छुट्टी में बहुत दिन भी रहना तो भी चले, और छिटपुट छुटपुट जैसे मैं आ गई एक आधा दिन के लिए, वैसे भी आप कर सकते हो, है ना। तो नज़दीक रहने के ज़्यादा फायदे हैं, दूर के तो नुकसान ही ज़्यादा है, फायदे बहुत कम हैं। सो भाई आपको मेरी आंखें देख के लग ही रहा होगा ना, आज मैं सोई नहीं, 5 बजे सोई हूँ, लेकिन कोई तो सीरीज देख रही थी, टाइम पास ही कर रही थी। तो अभी मुझे एकदम आके एकदम मुश्किल से उठ पाई, क्योंकि युवान ज़बरदस्ती उठा रहा था, उसको अब जाना है गार्डन। और आज पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो फिर सुबह की ड्यूटी भी मेरी ही है। सो मैं अब आ रही हूँ अपना नाश्ता करने, नाश्ता करके हम जाएंगे युवान सिंह को लेके गार्डन। और सुबह के टाइम ना गार्डन में मैं बहुत ही रेयरली लेके जाती हूँ, वहाँ पे वहाँ वाले पापा लेके जाते हैं, यहाँ पे यहाँ वाले पापा लेके जाते हैं। बट अभी आज मैं जाऊँगी, और यहाँ पे तो 3-3 गार्डन है, आपको एक ब्लॉग में मैंने पहले बताया ही है। अब ये बताइए देखिए कहाँ कहाँ मुझे लेके चलते हैं। चलिए मेरे साथ आज आप भी युवान को गार्डन की सैर कराइए, उसके पहले हम करते हैं नाश्ता। सो आज का मेरा नाश्ता में देखिए क्या है बताती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट है बेसन का चीला बोलो, टोमेटो ऑमलेट बोलो, जो आप समझ सकते हो। एंड ये मेरी मग वाली चाय, मग भर के चाय। उनको मिल गए उनके दोस्त। ओए ओए व्हाट आर यू डूइंग, यू आर स्लाइडिंग, यू विल डैश हिम। उल्टे पुल्टे ही काम करने होते हैं इसको। ये भाई आंधी तूफान जैसा माहौल फिर से हो गया है, हवा इतनी बढ़ रही है, अच्छा लग रहा है। युवान डिड यू सी, और ये बंदर देखिए मेरा घर जाने के लिए रेडी नहीं है, 12 बज चुका है, यहीं पे खेल रहे हैं। सारे लड़के बंदर होते हैं ना, ऑल बॉयज आर मंकीज, यस। ये मेरा देखिए, देखिए इनको, पापा आप गिरे ना अगर सो ना, तो दो 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 तीन दिख रहा ना आगे से, ऐसे अंदर चला जाएगा। बंदा ये खतरनाक है भाई, इतनी मट्टी उड़ रही है ना कि क्या ही बताए। लेकिन इनको घर नहीं जाना है, मैंने पापा को बोला पापा लेके आइए भैया स्कूटी, चले चलो घर जाओ। देखिए मट्टी चिपक जा रही है, इनके पसीने इतने हो गए कि सारा धूल मिट्टी इनके मुंह पे चिपक जा रहा है। फाइनली घर जा रहे हैं, 12:30 बज रहा है अब। इनकी बैटरी आप देख सकते हैं, एकदम पसीने से भीग चुके हैं ना। हाँ तभी बोला चलो लेट्स गो। गोदी ने देखो नानू स्कूटी लेके आ गए, चलो स्कूटी से जाएंगे घर। लड़के का नीच से कोई अता पता नहीं, दिन भर ये गद्दा बिछा के यहाँ पे क्या करता है, व्हाट आर यू डूइंग युवान। देखिए जरा, जितनी बार भी ये गद्दा यहाँ से हटेगा उतनी बार ये गद्दा ये बिछा के यहाँ पे सो जाते हैं। युवान आपने आज नींद क्यों नहीं किया दोपहर में, मम्मा टोल यू टू स्लीप ना। ओए ओए दिखाया मैंने आपको, सोना इतना है नहीं, और हम लोग को भी नहीं सोने देता। अगर हम सोएंगे तो इतना चिल्ला रहा है, इतना मस्ती कर रहा है ना। अब पापा टीवी का आवाज़ कम करो, मैं क्या बोलूँ, सुनाई नहीं देगा मेरे ऑडियंस को कुछ भी। जैसे कि मैंने बताया कंटी है बेटा, यहाँ पे शांति का शव भी नहीं रहता है, मेरे घर में सन्नाटा का पूरा सन्नाटा रहता है। ये हमारी शाम की चाय खा रही, बहुत टाइम बाद मैं खा रही हूँ। अरे वाह, मेरा बेटा मुझे शूट नहीं करने दिया, बेटा मैं फोटो ले रही थी, सोना यहाँ ले आओ ना एक बार, एक फोटो ले ले फिर तुम ले जाओ। मैं क्या रखूंगी बेटू थंबनेल पे, सुबह से यही कर रहे। युवान प्लीज सोना। देखिए भाई मेरे अंदर की शायरा जग गई, आज मैं बहुत दिन बाद खारी खा रही हूँ, वाह भाई वाह। और मेरा बेटा मुझे चकली नहीं खाने दे रहा है, नहीं बेटा देखो आप बदमाशी कर रहे हो। दोपहर भर सोता नहीं है, हम लोग वहाँ चाय पी रहे थे, और इनको रूम में देखिए यहाँ बैलन वाली चल रहा है और ये सो गए हैं बाबू। चलो कोई नहीं, अब ये कली की तरह हो गया है, एक घंटा सो जाने दो फिर हम लोग जरा घूम घाम के आ जाते हैं। भाई जिस हिसाब से प्लानिंग से मैं यहाँ आई थी कि अपनी दोस्त से भी मिलूंगी, और एक आधा काम जो काम था वो तो मेरा कल ही मैंने कर लिया था, पर्सनल काम, और आज एक बैंक का भी था तो वो पापा गए और हो गया था मेरा काम, लेकिन फ्रेंड से नहीं मिल पाई, या फ्रेंड से नहीं मिल पाई। और अभी आपने देखा कि युवान तो सो गया है, तो मैंने कहा चलो माता श्री का आज उपवास भी है सप्तमी का,
तो देखो तो शीतला माता होती है, लेकिन देवी तो देवी है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मंदिर है देवी का और बड़ा फेमस है, पुराने ज़माने से जैसे हम लोग सुनते आते थे वहाँ पे बहुत शूटिंग वगैरह होती थी। तो चलिए, बहुत टाइम हो गया वहाँ गए, तो मम्मी बोली चलना है तो चलो मंदिर, तब के चलो मंदिर ही सही, ये वाली मम्मी के साथ में भी चल लेती हूँ। यहाँ से अभी ये सब घर आ गए वरना वो मंदिर इधर से भी दिखता था। चलिए हम लोग दिखाते हैं। देखिए मैं इसी मंदिर का बता रही, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं स्वयं भाव देवी मंदिर। जय माता दी। हाँ, यहाँ पे देखिए इस ग्राउंड पे लोग गणपति लेके आते हैं, नवरात्रि में भी यहाँ पे प्रोग्राम होता है, ऊपर मंदिर में तो होता ही है, इधर भी करते हैं लोग। मुझे जाने दो मम्मी। ये देखिए बादाम, कच्चा बादाम। यहाँ पे सब बोलते थे पहले बहुत पिक्चरों की शूटिंग वगैरह होती थी, अब तो नहीं होती है, लेकिन तभी थोड़ा अलग था, अभी बिल्डिंग्स वगैरह आ गई है, सब चीज़ आ गया है। इधर एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी है, देखिए मंदिर ऊपर रहा ऐसे पीछे। अभी तो ये देखिए पूरे रास्ते भर ये जामुन गिरे हुए हैं, जामुन के पेड़ बहुत है इधर। ये पहुंच गए मंदिर। चलिए, ये जो मेन मंदिर है ये देवी जी का है, इसी के पीछे वो पिंडी है। ये मम्मी आ रही है, देखिए हम वहाँ नीचे से आए हैं, जो पिंक पिंक आपको वहाँ गेट दिख रहा है, बस हम वहाँ से आए हैं। और बादल देखिए आप, हवा इतनी चल रही है आज, तूफान जैसा मौसम है। लेकिन ये भी रिसेंटली वो वट पूर्णिमा हुई थी, तो देखिए सब यहाँ पूजा वूजा किए होंगे, पुराने पुराने सब पेड़ है। नवरात्रि में देखें यहाँ पे सब गरबा होता है, और एक रास्ता यहाँ से भी आने का है, वो जाते वक्त हम यहीं से जाएंगे। और ये रहा मंदिर, ऐसे आप भी देख लीजिए, ध्वज मूर्ति भी बहुत सुंदर है यहाँ की, आपको चल दर्शन कराते हैं। देखिए माता रानी के स्वागत में दो हाथी, कितने लंबे लंबे पैर हैं इनके। ये रही माता जी, बहुत पिक्चरों में आपने पहले देखा होगा जी माता दी, लेकिन क्या है अभी सब चेंज हो गया है, सब पता नहीं चल रहा होगा, रिनोवेशन किए हैं सब। है तो दुर्गा माता ही है ये। देवी माता का मंदिर है, फिर यहाँ राम दरबार है। नवरात्रियों में ना बहुत सजाते हैं, मैं नवरात्रि में अक्सर आती थी मम्मी के साथ ही, हाँ राधे कृष्ण, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे भी गरबा लोग खेलते हैं, थोड़ा थोड़ा बाहर करते हैं। चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए जी, ये देखिए कितना अच्छे से किया है सब। शंकर जी का मंदिर है, मंदिर मैंने दिखा दिया भोलेनाथ का, इनके ऊपर देखिए इतनी बड़ी सी शिव जी की ऐसे पिंडी नीचे से दिखती है, अभी एक्चुअली सब कवर हो चुका है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छे टाइम पे आए हैं, यहाँ आरती का भी टाइम हो गया है, आप लोग भी आरती कर लीजिए हमारे साथ। हनुमान जी की भी आप भी दर्शन कर लीजिए। हाँ पता नहीं, अबे पंडित जी की हाँ, देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, पेड़ देख रहे हैं इतने पुराने सब पेड़ हैं ऊपर, अब देखिए और इतना अच्छा लग रहा है, शांति तो है ही, मंदिर में आके आपको शांति तो मिल ही जाती है। देखिए अब शाम हो रही तो बहुत लोग आ रहे हैं, आज सैटरडे भी है तो हनुमान जी के भी दर्शन के लिए सब आते ही है। रास्ता तो ये था, और अभी हम आपको चलते हैं यहाँ से नीचे उतरते हैं, पहाड़ों पे ये मंदिर स्थित है पूरा। चलिए घर चलते हैं दूसरे रास्ते से। नवरात्रों में ना यहाँ से पूरा सजाया रहता है, पूरा यहाँ इनके यहाँ आने तक बड़ा अच्छा लगता है मंदिर। अब नवरात्रि में तो आऊँगी तो पक्का आप लोगों को भी दर्शन कराऊँगी ही। चलिए उतरते हैं, ये पूरा पहाड़ी एरिया है, यहाँ मेरा घर पहाड़ तोड़ तोड़ के घर बसाया था, लेकिन अब ऐसे हाउसेज है तो प्राइवेसी हो जाती है उनकी, सिक्योरिटी पर्पज से बंद कर दिया है। तो हम यहाँ से उतरेंगे तो थोड़ा सा घुमा के जाना पड़ेगा। आज तो लग रहा है बारिश आने वाली, क्या लगता है मम्मी बारिश आएगी? कल से बोल रहे मुंबई में बारिश होगी, मुंबई में बारिश होगी,
और यहाँ देखिए उतरते, वहाँ इतना शांति और सन्नाटा था, अब यहाँ आते ही देखिए मेन रोड पे आ गए, इतना चैंपो चैंपो हो गया है। चलिए कुछ खरीद भी लेते हैं, सब्जी वगैरह अब आ गए। वो जो छोटा गेट पे बंद बता रही थी वो सीधा यहीं से उतर जाता है, यहाँ से हम अपने घर चले जाते हैं। अब हम पूरा घूम के वहाँ से आ रहे हैं, मंदिर दर्शन करने के बहाने हमने ले लिया है वड़ा पाव, तो अभी पेट पूजा भी हो रही है भाई। मंदिर में पूजा पाठ करके आ गए, अब पेट पूजा के बारे में, कहीं जाओ और कुछ ना खाओ ऐसा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो वॉकिंग भी करो और ईटिंग भी करो, अपने आप डाइटिंग हो जाती है। भाई देखिए आज का जो मौसम था बारिश जैसा, तो अब बारिश हो रही है, मुझे नहीं लगता कैमरा में आपको पता चल रहा होगा, लेकिन वो मट्टी की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ अभी अभी जस्ट हुई थोड़ी सी और बंद हो गई, अभी हल्के हल्के से छींटे ही पड़ रही हैं तो इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए वहाँ पे सब गीला गीला हो गया है, वो सामने वाली बिल्डिंग में, यहाँ नीचे मेरे बिल्डिंग में भी है ना। युवान बारिश आ रही थी ना, कैसा साउंड आ रहा था बारिश का? बारिश हो रही मम्मा, व्हाट साउंड इज दैट? टुक 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 टुक, और फास्ट फास्ट हो रहा था कि स्लो स्लो हो रहा था? स्लो स्लो टुक टुक ऐसा ना चक्कू थी। तो भाई भगवान ने बारिश कर दी, आज का मौसम अब एकदम मस्त ठंडा ठंडा सा हो गया है, थोड़ी थोड़ी देर में हुई, एक्चुअली बारिश बहुत देर से हो रही थी लेकिन हम लोग को समझ नहीं आया, टीवी की आवाज़ चालू थी, एसी चालू था, इस रूम में एसी थोड़ा था बंद किए थे, कुछ नहीं दिखा ना, तो युवान बोला अम्मा कैसा आवाज आ रहा है, हम लोग बोले कैसा आवाज आ रहा है, आके देखी तो फट 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 खूब बारिश हो रही थी और मौसम एकदम ठंडा हो गया, इस समय एसी भी बंद है और रूम एकदम अच्छे से ठंडा हुआ पड़ा है ना युवान, अब अच्छी सी नींद आएगी भाई कुकू। चलो भाई आज का दिन अब खत्म होता है, ओ ये ओके बेटा, से गुड नाइट एवरीबॉडी ओवर हियर आल्सो, गुड मॉर्निंग, ये नहीं सुधरने वाला है, चलिए कोई नहीं, मैं आप लोगों को बोल देती हूँ गुड नाइट भाई, आज का व्लॉग यहीं करते हैं खत्म, मिलते हैं कल, अब कल मैं फिर चली जाऊंगी अपने ससुराल, हाँ जी क्योंकि मंडे है युवान का स्कूल, तो कोई बात नहीं, अब आज तो यहीं पे रहते हैं, देखते हैं फिर कल क्या होता है, तो चलिए फिर कल का कल देखते हैं, आज के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक भी जरूर करिएगा, टाटा गुड नाइट।